हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आभा कार्ड क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आभा कार्ड है जो एक तरह का मेडिकल हिस्ट्री कार्ड है, जिसको आप ऑनलाइन घर बैठे खुद बना सकते हैं। अगर आप आभा कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अपना आभा कार्ड बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। आभा कार्ड के थ्रू हम लोग अपनी मेडिकल हिस्ट्री जान सकते हैं, जैसे कि आप अपने लोकल हॉस्पिटल में कहीं पे आपने अपना इलाज करवाया हुआ है, तो फिर आप कहीं दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ पे आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं। तो इस आभा कार्ड का ये फ़ायदा होगा कि जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री होगी, जो कि आप अपने लोकल हॉस्पिटल में करवाई है, तो वहाँ अगर दूसरे शहर या दूसरे हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको आपकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि आपको कौन सी दवाइयाँ लगाई गई है और आपको क्या बीमारी थी, इससे रिलेटेड सारी हिस्ट्री आपकी रहेगी। तो इसके लिए हमें एक आभा नंबर मिलता है जो कि 14 अंक का होता है, और साथ में आपको आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह ये चीज़ें सारी इसके अंदर रहती है। जो आभा कार्ड आपने बनाया हुआ है उसको आपने हॉस्पिटल में जमा करवाना है और वो आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री इस कार्ड के थ्रू जान जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है आने वाले भविष्य के लिए, ताकि आप सभी लोगों के जो भी रिकॉर्ड हेल्थ से रिलेटेड है वो सेव रह रह सके।